वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरे पहले लेक्चर्स की आपको समझ आ गई हो। आज हमारा बहुत इंटरेस्टिंग और मजे वाला लेक्चर है। चलिए शुरू करते हैं। आज हमने पिक्चर्स, ऑनलाइन पिक्चर्स, शेप्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पिक्चर्स। पिक्चर्स होता है क्या? पिक्चर का मतलब यह है कि हम अपने जो पैराग्राफ है, जो पेज है, उसमें पिक्चर ऐड करने का तरीका क्या है। सबसे पहले करते हैं पिक्चर्स पे क्लिक। पिक्चर्स के क्लिक किया, मेरे पास अभी कुछ सेव पिक्चर नहीं पड़ी थी, लेकिन एक्सेल और ये पावर पॉइंट की पड़ी थी। सो हम पावर पॉइंट की पिक्चर को क्लिक करते हैं, यहाँ पे आगे यहाँ पे इंसर्ट करते हैं। जैसे इंसर्ट की, हमारे पास पिक्चर शो हो रही है। अब हम चाहते हैं कि यार ये पिक्चर का जो साइज है बहुत बड़ा है, इस पिक्चर का साइज थोड़ा कम करें। पिक्चर का साइज कम करें, यहाँ पे डॉट लगा है फोर साइड्स पे, इसकी विड्थ भी कम कर सकते हैं, हाइट भी कम कर सकते हैं जैसे हम चाहें वैसे। अब ये देखें, इसकी विड्थ कम हो गई, इसकी हाइट कम करने के लिए यहाँ पे क्लिक किया, इसकी हाइट कम हो जाएगी। अगर विड्थ हाइट के बगैर हमने काम करना है तो इसको ना विड्थ ज़्यादा कम हो ना हाइट, उसको यहाँ से क्लिक किया और यहाँ से छोटा करते गए, छोटा होता भी जाएगा, ठीक हो गया। अगर हम कहते हैं इसको थोड़ा सा टेढ़ा रखना है, थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर से ये बना हुआ है, इस पर थोड़ा सा क्लिक किया और जिस तरह हम जिस एंगल में हम रखना चाहते हैं, 90 का, 60 का, 180 का, 360, जिस एंगल में हम रखना चाहते हैं उसको रख सकते, रोटेट भी कर सकते हैं, ऐसे रख सकते हैं, टेढ़ा रखें, सीधा रखें या उल्टा रखें, जैसा व्हाट वी वांट ऐसा हम कर सकते हैं, ठीक है? ऐसे थोड़ा सा टेढ़ा कर देते, ठीक होगा। उसके बाद अगर हम चाहते हैं इसको थोड़ी सी पोजीशन चेंज हो जाए, यहाँ पे नहीं, हम इसको सेंटर में लाना चाहते हैं, या लेफ्ट पे या राइट पे, वट एवर, जहाँ पे हम चाहते हैं, तो हम इस पर क्लिक करेंगे तो वो कभी भी ना ऐसे मूव होकर नहीं आएगा। तो इसका सबसे बेसिक आसान तरीका, यहाँ पे ये ब्लॉक सा बना हुआ है, इस पर क्लिक करें, यहाँ पे आए और यहाँ पे वर्ड आएगा टाइट, TIGHT, टाइट, इसका मतलब खिंचाओ। इसके ऊपर क्लिक करेंगे, जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे, इस पर फिर दोबारा आएंगे, इसको हम कहीं भी मूव कर सकते हैं। ये देखिए जैसे मूव हो रहा है, पहले आप सिंपल क्लिक करेंगे तो कहीं भी ये नहीं जा सकता, ठीक है? जब भी आपने टाइट किया तो ये मूव हो रहा है, इसको सीधा करते हैं, सीधा किया, इसको कहीं भी मूव करके ले जा सकते हैं, ठीक है? पूरे पेज पे, इधर लेफ्ट पे, राइट पे, अप डाउन, अबाउट, बिलो, जिधर भी चाहे सेंटर में गए सेंटर में रख दिए, ठीक हो गया। जब भी हमने आपने कोई पिक्चर कुछ भी एडिट करना है, अपने आपने यहाँ पे पेस्ट की है, उसको मूव करने का तरीका ये है, यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ पे टाइप पे और टाइप पे हो जाएगा। अदरवाइज आपको ये ऑप्शन नहीं मिल रहा, अगर आपको ऑप्शन नहीं मिल रहा, यहाँ पे रैप टेक्स्ट है, इस पर क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे टाइट आ जाएगा, टाइट पे क्लिक करें, ये आप कहीं भी मूव इसको कर सकते हैं, ठीक होगा। उसके बाद अगर इसके पीछे बैकग्राउंड लगा, तो हमने बैकग्राउंड रिमूव कर दिया, यहाँ पे लिखकर बैकग्राउंड रिमूव, इस पर क्लिक किया, अब इसका बैकग्राउंड ये है, तो हमने इसको सेटिंग करेंगे। उसके बाद क्लिक किया, डिस्कार्ड ऑल चेंजेस, कीप चेंजिंग मार्क्स एरिया टू कीप मार्क्स एरिया टू रिमूव डिलीट मार्क्स, डिलीट किया, यहाँ पे किया, अब इसका करते हैं डिलीट मार्क्स, होता है या नहीं? ये नहीं हुआ क्योंकि इसका बैकग्राउंड नहीं था, ये ओरिजिनल पिक्चर इस वजह से नहीं हो रहा था। दोबारा इस पे जाते हैं, पिक्चर फॉर्मेट पे आ गए, कुरेक्शन पे आ गए, इस पे कुरेक्शन अपने टाइप से डिफरेंट टाइप के कुरेक्शन, शार्पन, सॉफ्टन, आ सकता ब्राइटनेस, आ कॉन्स्ट्रास्ट आ सकता था, इसके बाद शार्पन पे आए, देखते हैं अगर हम यहाँ ब्राइटनेस पे आ जाएंगे तो इसमें फर्क पड़ता जाएगा, इसका कलर देखेंगे चेंज होता जाएगा। अभी पहले रेड टाइप था, अब ऑरेंज सा आ गए। दोबारा पे कुरेक्शन पे जाएंगे, जैसे जैसे हम क्लिक करते जाएंगे ऊपर कर्सर लेके जाएंगे, वो इसका कलर वगैरह चेंज होता रहेगा, जैसे ये येलो कलर आ गया। या फिर नीचे आ जाता है पिक्चर कुरेक्शन ऑप्शन,
यहाँ पर अपनी मर्जी का शार्पन कर सकते हैं, ये देखें शार्प ज़्यादा हो गया, ब्राइटनेस उसकी बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट भी बढ़ा सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं 87 हो गया। उसके बाद अगर नहीं चाहिए तो हम उसको रीसेट कर सकते हैं, रीसेट किया वैसे के वैसे आ गया। ठीक है, करेक्शन की उम्मीद करता हूँ आप सब बच्चों को समझा गया, इसके कलर वगैरह चेंज करती है, हमने ये करेक्शन ले ली। ठीक है, उसके बाद आता है कलर्स, इसको हम डिफरेंट टाइप्स के कलर दे सकते हैं, जो आप पिक्चर सिलेक्ट करते हैं डिफरेंट टाइप्स के कलर भी आप दे सकते हैं। मैं कलर्स पे गया, अभी बिल्कुल मध्यम कलर है, ये सैचुरेशन 66 है, ये सैचुरेशन 100% है, ये 200, ये 300, ये 400, ये कलर टोन आ जाता है, टेम्परेचर ये देखिए डिफरेंट टाइप्स के टेम्परेचर आ रहे हैं। उसके बाद नीचे आ जाते हैं तो री कलर आ रहा है, ये डिफरेंट टाइप्स के ब्लैक कलर आ रहा है, उसके बाद और भी आ रहे हैं कलर। ठीक है, यार वट एवर यू वांट डिफरेंट आप सेलेक्ट कर सकते हैं ये कलर। उसके बाद मोर वेरिएशन आ गया, तो मोर वेरिएशन पर अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे हम देखें डिफरेंट टाइप्स के कलर बॉक्स ओपन हो जाएगा, जो भी हम कलर करना चाहेंगे, जैसे हमने रेड किया, रेड सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक हो गया। अगेन जाएंगे सेट ट्रांसपेरेंट कलर, ट्रांसपेरेंट कलर पे जाएंगे तो ट्रांसपेरेंट ऑटोमेटिक लग जाते हैं, पिक्चर कलर ऑप्शन आ जाता है, ये वही सेम जो पहले मैंने बताया था, आप सैचुरेशन यहाँ से बढ़ा सकते हैं, यहाँ से भी बढ़ा सकते हैं, उसके बाद ब्राइटनेस बढ़ा सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बढ़ा सकते हैं, शार्पन बढ़ा सकते हैं। ठीक है, जो भी आप चाहते हैं वो यहाँ से आप बढ़ा सकते हैं इसके। ठीक है, पिक्चर को असली हालत में लाते हैं, आगे पिक्चर। अच्छा, इसके बाद नीचे से कुछ इफेक्ट्स आ जाते हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स के इफेक्ट्स आ जाते हैं जो हमारी पिक्चर को चेंज करेंगे। अभी जैसे ये देख लें, ये पेंसिल टाइप आ गया, ये पेंसिल स्केच आ गए, किसी पेंसिल से बच्चे ने बनाया, अपनी पिक्चर को आप चेंज कर सकते हैं कि पता चले आपने ओरिजिनल बनाई है पेंसिल के साथ। ठीक है, ना कि आपने कहीं से पिक कॉपी की, ये पेस्ट किया, कुछ वट एवर। ठीक है, ये डिफरेंट टाइप्स का आप इसको चेंजिंग कर सकते हैं जो भी आप चाहते हैं। ठीक है, ऐसे ये देखें, ये बोला पेंट स्ट्रोक्स आ जाता है, ये भी आ जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है कंप्रेस पिक्चर, जो पिक्चर बड़ी हो गई उसको कंप्रेस करने का तरीका है। कंप्रेस पिक्चर पे क्लिक किया, यहाँ पर डिफरेंट टर्म्स का रेजुलेशन वगैरह चेंजिंग कर सकते हैं। इसके बाद चेंज पिक्चर, वहाँ पे इंटरनेट नहीं है, सो अभी नहीं हो सकता, किसी का इंटरनेट होगा एक्सेस होगी तो वो यहाँ पे चेंज पिक्चर करके कुछ और पिक्चर एडिट कर सकते हैं नेट से वगैरह से लेके। रीसेट पिक्चर, रीसेट का पिक्चर का मतलब जो पिक्चर पे रीसेट पे क्लिक, पिक्चर जो भी होगा टोटल रीसेट हो अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगी, जो आपने अप्लाई किया था वो कुछ खत्म हो जाएगा। ठीक हो गया, रीसेट पिक्चर एंड साइज, रीसेट पिक्चर साइज, जो हमने साइज बढ़ाया था वो उसी ओरिजिनल साइज पे आ गई। ठीक है, अब छोटा साइज किया है, रैप टेक्स्ट किया हुआ, हमारा ऑटो लगा हुआ था इस वजह से। ठीक हो गया, उसके बाद डिफरेंट टाइप के पिक्चर स्टाइल्स आ जाते हैं। ठीक है, इसमें पिक्चर स्टाइल्स में आप डिफरेंट सिलेक्ट कर सकते हैं, ये देखें ओवल भी कर सकते हैं, रेक्टेंगल भी कर सकते हैं, ट्रायंगल भी कर सकते हैं, डिफरेंट ये देखें जो भी जिस तरह की आपकी पिक्चर, उस तरह का आप डबल बैकग्राउंड आ जाता है, डबल लाइनिंग आ जाए, जैसे ये सिलेक्ट किया, ये देखें कितना प्यारा लग रहा है, शेड आ रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे कोई आइकॉन हमने बनाया हो। ठीक है, ऊपर ले जाते हैं इसको यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद इस पर क्लिक किया, फॉर्मेट आ गया, इसमें आपको डिफरेंट टाइप्स के फॉर्मेट दिए जाते हैं जिस तरह का आप पसंद करें। अब ये देखें, ये हमने एक 3D टाइप सेलेक्ट किया। ठीक है, उसके बाद आ जाता है पिक्चर बॉर्डर, पिक्चर इफेक्ट्स, पिक्चर लेआउट। सो सबसे पहले हम जाएंगे पिक्चर बॉर्डर्स के बारे में। ठीक है, पिक्चर बॉर्डर होते हैं, बॉर्डर्स के बारे में आपको मैं पहले भी दो दफा बता चुका हूँ, पिक्चर बॉर्डर का मतलब ये है उसके साइड पे बॉर्डर एरिया जो उसको कवर करे, पिक्चर बॉर्डर। अब इसका बॉर्डर ये देखें, जो ये चीज है ना, इसका चीज के ऑटोमेटिकली
राउंड एंड राउंड कलर डिफरेंट टाइप्स के आ जाएंगे, जिस तरह कि हम आउटलाइन लगाएंगे। पिक्चर बॉर्डर्स पे क्लिक किया, रेड कलर का, रेड नहीं ब्लैक कलर का बॉर्डर लगा देते हैं। अब आपको ये नज़र आ रहा होगा, ये नीचे ब्लैक कलर का बॉर्डर लग गया है, ठीक है, ये इसको कवर कर। अगर मैं इसको सीधा रखते तो आपको और भी मजीद अच्छा लगना, तभी मैंने इसको सीधा रखा है। अब इसके बॉर्डर पे जाते हैं, रेड कलर का ब्लैक चाहिए। अब मैंने जैसे ब्लैक कलर का बॉर्डर लगाया, आप इसके साइड्स पे देखते हैं टोटल ब्लैक कलर का बॉर्डर लगे। बॉर्डर का मतलब आप डिफरेंट टाइप्स के बॉर्डर का कलर कर सकते। उसके बाद पिक्चर इफेक्ट्स, सबसे इंटरेस्टिंग मजेदार चीज पिक्चर इफेक्ट्स। इसमें डिफरेंट टाइप्स का पिक्चर इफेक्ट्स हैं, प्रेजेंट है, शेडो है, रिफ्लेक्शन है, ग्लो है, डिफरेंट 3D रोटेशन व्हाटएवर, ठीक है। इसको प्रेजेंट में आ जाता है, ये देखें नो प्रेजेंट, प्रेजेंट में ये आ रहा है। नीचे देखते हैं इफेक्ट्स, उसमें चेंजिंग कितनी ज़्यादा हो रही है, ये देखते जाइएगा। नीचे 3D टाइप आ रहा है, उसके नीचे बाहर रिफ्लेक्शन भी इसकी आ रही है, जैसे ये है थोड़ा सा अप एंड डाउन है। उसके बाद अगर हम चले जाएं शेडो पे, तो इसके शेडो आ जाएगा साइड्स पे, जैसे ये सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद दोबारा रिफ्लेक्शन पे गया, जिसकी रिफ्लेक्शन जैसे हमारा साया था धूप की साइड में, वैसे इसके नीचे रिफ्लेक्शन आ रही होगी, ऐसे सिलेक्ट किया। नीचे ये देख लें, इसकी रिफ्लेक्शन आपको शो हो रही है, देख लें नीचे उसकी सेम एग्जैक्ट रिफ्लेक्शन शो हो रही है, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ इन चीज़ों में समझ आ रही होगी। ग्लो, एक चीज़ को ग्लो, जैसे हम कोई बल्ब वगैरह ऑन करते हैं वो ग्लो करते हैं, साइड पर रोशनी वगैरह हो जाए, वैसे ही चीज़ का ग्लो आ जाए। अब ये देखें जिस तरह का ग्लो करूँगा, मोर कलर्स में जाके मैं ग्लो सिलेक्ट, कौन सा रेड सिलेक्ट करता हूँ ग्लो, और ग्लो में ये ज़्यादा ग्लो, जब मैंने ये ग्लो सिलेक्ट किया है तो जो ओरिजिनल पिक्चर उसके साइड्स पे एक ग्लो आ गया, जैसे आपको शो हो, जैसे हमने पहले किया था बॉर्डर के साथ, ये ग्लो भी शो हो रही है, ठीक हो गया। बाकी ये भी लेवल 3D रोटेशन अपनी मर्जी से आप कुछ भी लगा सकते हैं। अब ये देखें पैरल लगा सकते हैं, जिस तरह का आपको अच्छा लगता है, ठीक है। जिस तरह का लगा इसका, यार ये बॉर्डर भी नजर आ रहे हैं, नीचे इफेक्ट्स भी नज़र आ रहे हैं, इसका ग्लो भी नज़र आ रहा है, रिफ्लेक्शन भी नज़र आ रहा है, सब कुछ। उसके बाद आ जाता है पिक्चर लेआउट। पिक्चर लेआउट का मतलब ये आ जाता है, उसके नीचे हम कुछ स्नैप पिक्चर लिस्ट, उसके नीचे कुछ लिख सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स के फंक्शन आ रहे हैं, देखें जैसे ये है। उसके साथ में ना हम यहाँ पे कुछ भी राइट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे नीचे राइट करने का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। उसके बाद डिफरेंट टाइप्स के स्टाइल्स यहाँ पे शो हो रहे हैं, ठीक है। इंसर्ट पे गए, पिक्चर पे क्लिक किया, फॉर्मेट, लेआउट के बाद ये लेआउट यूज होते हैं, क्योंकि हम ये ज्यादा नॉर्मली ये देखे ना नहीं यूज होते हैं, जो मेन यूज हो रहे थे वो यही है, वर्टिकल हो रहा होता है। इस पर टेक्स्ट लिख लेते हैं, ओहो लिख दिया जी, ठीक है। अब ये देखें नुमाया कर रहे कि हम क्या पावर पॉइंट पे काम कर रहे हैं, ठीक हो गया। ये डिजाइन में सारा कुछ हो रहा होता है। उसके बाद पोजीशन, किसी चीज की, किसी पिक्चर की पोजीशन चेंज करनी है तो उसको हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। वो मैंने पहले बताया चेंजिंग, देखो सेंटर में लाना है, अब यहाँ पे हम ला रहे हैं सेंटर में, सेंटर में ले हैं। अब जो हमारी राइटिंग होगी वो हम कहीं भी लिख सकते हैं कुछ भी। अब ये देखें हमने इसको सेंटर में लाया है, ये सेंटर में आ जाएगा, और इसके ऊपर वगैरह कुछ भी नहीं लिखा जाएगा। साइडों पे बहुत सारा डाटा जो भी है वो लिख लेंगे, ठीक है। साइड्स पे डाटा वगैरह लिखते जाएंगे, लेकिन उसके ऊपर वगैरह कुछ भी डाटा वगैरह राइट वगैरह नहीं होगा, ठीक है। अगर हम इसको पोजीशन को कर देते हैं बिल्कुल नीचे, नीचे ले आए थे, लेकिन फिर ऊपर हम डाटा वगैरह जो भी हम लिखेंगे वो लिखा जा सकता है, ठीक है।
सो इसका बेस्ट वे जिस तरह आप पिक्चर लगाने सकते हैं लगा सकते हैं, ठीक है, जैसे रेज्यूम में वगैरह में हम लगाते हैं। अब इस पे दोबारा फिर चले गए पोजीशन पे, चले गए पोजीशन में, मैं कहता हूँ फ्रंट पे शो, फ्रंट पे पिक्चर शो हो रही है, फ्रंट पे पिक्चर शो हो रही है, लेकिन जो भी डाटा वगैरह है वो नीचे आ रहे हैं, ठीक है, वो पिक्चर को टांग वगैरह। रैप टैग से आपको पहले बताया गया किसी पिक्चर को मूव करने का, ये ऐप टैग टाइट पे क्लिक कर दें, पिक्चर वगैरह मूव होती रहेगी, ठीक होगा। ब्रिंग फॉरवर्ड, ब्रिंग टू फ्रंट, ये बैकवर्ड ये यूज नहीं होते ना, क्योंकि इनका ज्यादा काम नहीं होता, ठीक है। उसके बाद लाइन वगैरह आ जाता है, लाइन सेंटर, लाइन लेफ्ट, लाइन टॉप, लाइन मिडल, इसको जहाँ पे अपने जो पिक्चर वगैरह जहाँ पे हमें सेटिंग करनी है, ये वही पोजीशन वाला सीन है जहाँ पे पिक्चर को हमने सिलेक्ट करना चाहते हैं, बॉटम पे करना चाहें पिक्चर बॉटम पे आ जाएगी, हम इसको लेफ्ट पे करना चाहते हैं लेफ्ट पे आ जाएगी, राइट पे करना चाहें तो राइट पे आ जाएगी, जिधर हम चाहते हैं उस जरिए हमारे पिक्चर आ जाएगी, ठीक हो गया। पोजीशन और अलाइन में कोई भी फर्क नहीं है, ठीक है। उसके बाद साइज वगैरह आ जाता है पिक्चर का, साइज यहाँ से भी हम बढ़ा सकते हैं, वैसे भी मैंने आपको ऑप्शन बताए हैं जो ये दो खड़े हैं, यहाँ से भी पिक्चर का साइज बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, ठीक है, लेंथ बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, विड्थ बढ़ा सकते हैं, स्टाइल चेंज कर सकते हैं, टेढ़ी पिक्चर लगा सकते हैं, सीधी लगा सकते हैं, जैसे हम चाहें वैसे हम कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इसकी विड्थ वगैरह भी हम कम कर सकते हैं, ये देखें बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। क्रॉप वगैरह भी इसको डिफरेंट इस तरह क्रॉप कर लेते हैं, ये सिलेक्ट कर लेते हैं बस, ठीक है, सिलेक्ट हो गई, ये देखें उतनी सिलेक्ट हो गई, ठीक है, जितनी हमने क्रॉप की थी। मैं कह रहा हूँ कि आपको पिक्चर्स वगैरह की सब कुछ समझ आ रही है। उसके बाद हमारा आ जाता है ऑनलाइन पिक्चर्स। ऑनलाइन पिक्चर का मतलब ये है कि हमारे पास इंटरनेट एक्सेस होगा, जैसे मेरे पास इस पर अवेलेबल नहीं है, जैसे आप इंटरनेट एक्सेस होगा जिस तरह के आप पिक्चर मांगना चाहेंगे उस तरह के आपको पिक्चर मिल जाएगी, ठीक हो गया। अपनी पिक्चर लेना चाहते हैं किसी की भी लेना चाहते हैं पिक्चर, वो आपको उसी टाइम मिल जाएगी। आज से लेक्चर इधर स्टॉप करते हैं, ठीक है, और बाकी के नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बाकी चीज़ें बताऊंगा, ठीक है। तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।